राजस्थान के अलवर में कथित गौरक्षकों द्वारा की गई अकबर खान की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। सीजीआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने राजस्थान सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को राजस्थान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई। मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से मॉब लिंचिंग को लेकर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस मामले में 7 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। दरअसल पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने अलवर मामले को लेकर राजस्थान सरकार और अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया था। कोर्ट ने मॉब लिंचिंग और गौरक्षा के नाम पर होने वाली हत्याओं को लेकर कहा था कि कोई भी नागरिक कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, डर और अराजकता की स्थिति में राज्य सरकारें सकारात्मक रूप से काम करें। कोर्ट ने संसद से यह भी कहा था कि वो देखें कि इस तरह की घटनाओं के लिए कानून बन सकता है कि नहीं। न्यूज टाइम्स के लिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।